गुड मॉर्निंग क्लास आई एम योर जीएस मेंटर सौरभ महाजन जैसा कि आप लोग जानते हैं दैट फ्रॉम 26 जनवरी स्पार्क इंस्टीट्यूट जम्मू की तरफ से एक इनिशिएटिव को शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर में रहने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जेके एस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ऑनलाइन बैच को शुरू किया गया था विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और उस बैच की टाइमिंग रहने वाली थी मॉर्निंग टेन ए एम टू ट्वेल्व नून दिस बैच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स और जो भी स्टूडेंट्स इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दिस विल विल बी द फैकल्टी हु टीच सब्जेक्ट्स इन बैचेस। इस पर्टिकुलर ऑनलाइन बैच का जो मेन फोकस रहने वाले इट विल बी ऑन नाइप तहसीलदार एंड पटवारी इट विल बी द अपकमिंग एग्जाम जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हर ट्यूसडे को हमारा ऑफलाइन बैच शुरू होता है इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इन ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें दिस इज द शेड्यूल ऑफ हिस्ट्री हम लोग ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स पहले से लेक्चर्स देख रहे हैं दे वेरी वेल नो जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हम लोग लेक्चर वन इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवरअप कर चुके हैं इसके बाद में हम लोगों ने वैदिक एज और बुद्धिज़म और जैनिज्म इन दो टॉपिक्स को कवर किया था देन वी हैड ऑलरेडी डन विद द लेक्चर्स ऑफ प्री मोरियर्स एज वेल एज मोरियर्स देन वी हैव डन विद टॉपिक ऑफ पोस्ट मॉरियर्स गुप्ताज एंड वर्धन डायनेस्टी आज का जो टॉपिक होने वाला था वो हमारा दिल्ली सल्तनत का टॉपिक होने वाला था बट स्टूडेंट्स की काफ़ी पॉपुलर डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो एम सी क्यूज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है सो काइंडली ब्रिंग प्रीवियस क्वेश्चन जो कि एंशियंट हिस्ट्री के कॉन्टेक्ट में पूछे गए थे सो आज का टॉपिक हमारा प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर रहने वाले जो भी स्टूडेंट्स मेरे बारे में जानना चाहते हैं वो इस पर्टिकुलर स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन बान भट्ट बान भट्ट वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ विच एम्प्रट निम्नलिखित में से किस एम्प्र के दरबारी थे सो द ऑप्शन कुमार गुप्त हर्षवर्धन और कनिष्क सो फटाफट से आप लोग कमेंट्स में मुझे आंसर बताइए कि बानभट इनमें से किसके दरबारी थे हम लोग ऑलरेडी ये टॉपिक को कवरअप कर चुके हैं मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं यह टॉपिक हम लोगों ने कवरअप किया था पोस्ट मोरियाज में So here the answer is हर्षवर्धन जी हाँ हर्षवर्धन इसका सही आंसर है और बान भट्ट ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी इन्होंने बुक लिखी थी कादंबरी ठीक है so where did next question is where did Lord Buddha ब्रेद his last गौतम बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस कहां पर ली सो so इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुशीनगर जी हाँ कब ली 483 एटी बीसी में ली गौतम बुद्ध के बर्थ की अगर हम लोग बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 सिक्सटी में कहां पर लुम्बिनी में हुआ ठीक है बौद्ध गया में इनको एनलाइटनमेंट हुआ था बौद्ध गया में ही गॉट एनलाइटनमेंट सारनाथ ही प्रीच हीज वेरी फर्स्ट सेरमन उसको कहा जाता है धर्मचक्र परावर्तन टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ सो so, इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले सबसे पहले राजा कौन थे सो द आर मोरियाज इंडो ग्रीक्स गुप्ताज या फिर कुशांस फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया हम लोगों ने ऑलरेडी टॉपिक के बारे में बात की हुई है मैंने आप लोगों से तब भी ये चीज के बारे में बात की थी कि कॉइन्स को लेकर काफी पॉपुलरली आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so फटाफट से आप लोग कॉमेंट्स में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब है फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स द आंसर इज द आंसर इज इंडो ग्रीक्स इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू गोल्ड क्वाइंस कुशांस की अगर हम लोग बात करें तो कुशांस के टाइम पीरियड में हम लोगों को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड क्वाइंस देखने को मिलते प्योरस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड क्वाइंस वर इशू ड्यूरिंग कुशांस एंड गुप्तास की अगर हम लोग बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड वर कॉइनस ड्यूरिंग गुप्तास की अगर हम लोग बात करें तो मॉरेंस के टाइम पीरियड में हम लोगों को दो कॉइन देखने को मिलते थे वन वॉज पन विच वॉज ए कॉपर कॉइन एंड वन वॉज माशिका विच वॉज ए पन वॉज ए सिल्वर कॉइन माशिका वॉज ए कॉपर कॉइन ठीक है सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट Who started the शक era, which is still used by the government of India? निम्नलिखित में से शक संवत की शुरुआत किसने की मैंने आप लोगों से ऑलरेडी बात की थी एरा बोलते हैं कैलेंडर्स को है ना तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी कि विक्रमी संवत किसके द्वारा शुरू की गई शक संवत किसके द्वारा शुरू की गई थी गुप्ता संवत किसके द्वारा शुरू की गई थी तो ये टॉपिक है अगेन पोस्ट मॉरस का टॉपिक है आप लोग कॉमेंट्स में फटाफट से मुझे कॉमेंट्स करके बताइए कि शक एरा की शुरुआत इनमें से किसने की थी शक एर वो स्टार्टेड बाय द आंसर इज कनिष्क द राइट आंसर इज कनिष्क कनिष्क ने 78 एडी में शक संवत की शुरुआत की और विक्रमादित्य इन्होंने शुरुआत की थी विक्रम संवत की 57 BC में 57 सेवन ईसा पूर्व में इन्होंने विक्रमी संवत की शुरुआत की सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट हु अमंग द द फॉलोइंग फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया निम्नलिखित में से भारत के ऊपर हमला करने वाले पहले लोग कौन थे ऑप्शन आर जक्सीज एलेग्जेंडर डेरियस फर्स्ट और सेल्यूकस ये टॉपिक है मोरियस का हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी प्री में जब तीन डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी पढ़ने के बाद में हम लोगों ने फॉरन इन्वेजन्स के बारे में बात की तो आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से भारत के ऊपर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था जी फटाफट से बताइए जल्दी फर्स्ट टू इन्वेड इट इज नॉट अलेक्जेंडर इट इज नॉट अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर से पहले भी भारत के ऊपर एक हमला हो चुका था इसके प्रमाण है हमारे पास में फिफ्थ सेंचुरी बीसी में पर्शियन इन्वेडर डेरियस फर्स्ट जी हाँ इसका आंसर है डेरियस फर्स्ट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द दैन वॉज जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी कि जैन धर्म में कुल मिलाकर चौबीस तीर्थंकर हुए संख्या कितनी थी चौबीस तो जो सबसे पहले थे उनका क्या नाम था बिकॉज ही वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म तो आंसर इज आंसर इज ऋषभ देव जी हाँ ऋषभ नाथ भी लिखते हैं ऋषभ देव भी लिखते हैं पार्श्वनाथ वॉज द ट्वेंटी थर्ड ये इनके तेईसवें गुरु थे ऋषभ नाथ की अगर हम लोग बात करें इनका एम्बलम था बुल पार्श्वनाथ की बात करें तो इनका एम्बलम था स्नेक सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड बृहदेश्वर टेम्पल की अगर हम लोग बात करें इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा सो द ऑप्शन कांची श्री साइलन मदुराई थोर सो द राइट आंसर इज तंजोर इट इज इन तमिलनाडु गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ये जेके पी में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार का दिसंबर में हुए एग्जाम जेके पी में यह वाला क्वेश्चन पूछा गया था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जी हाँ बताइए फटाफट फ़ड़, पोस्ट का टॉपिक में हम लोगों ने यह वाला टॉपिक अप किया था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके द्वारा दिया गया सेक्ट महायान सेक्ट वैष्णव सेक्ट या शैव सेक्ट बताइए फटाफट फ़्ट। सो द आंसर इज महायान सेक्ट महायान बुद्धिज्म के द्वारा दिया गया गांधार स्कूल ऑफ आर्ट मूविंग नेक्स्ट द शक एरा कमेंसिंग फ्रॉम 78 एडी एडी 78 वाज फाउंडेड बाय फाउंडेड आर कनिष्क अशोक चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में बात की कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया था ये शुरू किया गया था कनिष्क के द्वारा कनिष्क डायनेस्टी के किंग थे सो मूविंग नेक्स्ट हु अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट इज बिलीव्ड टू बी द नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्ध जो अपकमिंग बुद्ध होने वाले हैं वो इनमें से कौन होने वाले हैं ऑप्शन मैत्रिय नागार्जुन या फिर कल की सो द राइट आंसर इज मैत्रीय मैत्रिय विल बी द नेक्स्ट बुद्ध लकी की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का नागार्जुन की अगर हम लोग बात करें तो नागार्जुन ने फिलोसफी दी थी फिलोसफी ऑफ निलिज्म शून्यवाद नेक्स्ट इज द वर्ड सत्य में विजय इन द स्टेट एम्बल ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम हम लोगों ने ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में बात की थी जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला टॉपिक नहीं देखा हुआ मेक श्योर sure कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी जब हम लोगों ने अपना टॉपिक कवरअप किया था वैदिक एज का जी हाँ हा, वहां पे हम लोगों ने बात की थी कि सत्य में विजय थे मुंडक उपनिषद राइट आंसर इज उपनिषद सो हाउ मेनी उपनिषद आर देर देर आर वन जीरो एट एक सौ आठ उपनिषद है वेद है चार ठीक है रामायण इज एपिक ठीक है नेक्स्ट इज द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज बीन अटैच टू ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट और हर्षवर्धन ये एंशियंट हिस्ट्री के लास्ट टॉपिक गुप्ता डायनेस्टी में हम लोगों ने बात की थी इंडियन नेपोलियन किसको कहा जाता है फटाफट से बताइए सो राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन किसने कहा था इनको यह कहा था वी ए स्मिथ ने। सो मूविंग नेक्स्ट हु अमंग फॉलोइंग वर द कॉन्टेम्प्ररीज ऑफ ऑप्शन आर कॉन्टेम्प्ररीज ऑफ कनिष्क निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन लोग कौन थे ऑप्शन कंबन भानभट अश्वघोष नागार्जुन अश्वघोष वासुमित्र अश्वघोष कालिदास भानभट कालिदास कंबन एंड वासुमित्र हम लोगों ने ऑलरेडी बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में बात की हुई है आप लोगों को अगर याद हो लेक्चर थर्ड में हम लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को कवरअप किया था वहां पे हम लोगों ने जब बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में बात की तो हम लोगों ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में वासुमित्र और अश्वघोष के बारे में बात की थी सो द राइट आंसर विल बी नागार्जुन अश्वघोष एंड वासुमित्र नागार्जुन की अगर हम लोग बात करें ही अ कोर्ट फिलोसोफर ऑफ कनिष्क एंड नागार्जुन इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन ऑफ इंडिया ही गेव द फिलोसॉफी ऑफ निलिज्म सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट इज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज अलेक्जेंडर के निम्नलिखित में से ट्यूटर कौन थे द राइट आंसर इज एरिस्टोटल इनको हम लोग हिंदी में अरस्तु के नाम से भी जानते सो मूविंग नेक्स्ट अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन आर रिवर रावी सतलज रिवर इंदस रिवर या फिर हिंदू कुश रेंज द राइट आंसर इज इन दस रिवर नेक्स्ट हाउ वॉज बर्मा बर्मा का आज के समय में हम लोग उसको म्यांमार के नाम से जानते हैं नाउ म्यांमार नोन टू एंशियंट इंडियंस कहने का मतलब बर्मा का पुराना नाम निम्नलिखित में से क्या है तो बताइए फटाफट क्या आंसर है इसका सो द आंसर इज सुवर्ण भूमि नेक्स्ट हु प्रोपाउंडेड द एट फोल्ड पाथ फॉर द एंड ऑफ मिजरी ऑफ मैनकाइंड एट फोल्ड पाथ अष्टांग जो मार्ग था उसको बताने वाले उसको प्रोपाउंड करने वाले कौन थे महावीर आदि शंकराचार्य गौतम बुद्ध या फिर कबीर सो द राइट आंसर इज गौतम बुद्ध नेक्स्ट नालंदा वॉज द ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन ऑप्शन जैनिज्म वैश्विजम और तंत्र जी बताइए क्या जवाब है नालंदा को किसने फाउंड किया था नालंदा वॉज फाउंडेड बाय गुप्ता डायनेस्टी किंग थे कुमार गुप्त उनके द्वारा बनाई गई थी नालंदा वॉज अ ग्रेट लर्निंग सेंटर स्पेशली इन बुद्धिज्म आंसर इज बुद्धिज्म अपने टाइम पीरियड की ऑक्सफोर्ड रही हुई है नालंदा अपने टाइम पीरियड की ऑक्सफोर्ड रही हुई सो नेक्स्ट इज विच दीक्रेट बुक ऑफ बुद्धिस्ट ऑप्शन उपनिषद और जातक जी बताइए क्या जवाब है इसका राइट आंसर इज त्रिपिटक हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी विनय पिटक सूत पिटक और अभिधम पिटक के बारे में विच वॉज कंपाइल्ड बाय उपाली आनंद एंड मोगलीपुत्र तिस्या रेस्पेक्टिवली नेक्स्ट द नंबर सिस्टम जीरो वाज इन्वेंटेड बाय ऑप्शंस आर रामानुजम पतंजलि आर्यभट्ट और एन अननोन पर्सन जीरो की खोज निम्नलिखित में से किसने की इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में जनरली ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जानते हैं बच्चा बच्चा जानते हैं कि जीरो की खोज किसने की थी आंसर इनके नाम पे भारत की पहली सैटेलाइट भी है मोविंग नेक्स्ट हु इज हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद गॉड ऑफ मेडिसिन इनमें से किसको कहा जाता है ध्यान रखना गॉड ऑफ मेडिसिन पूछा हुआ है फादर ऑफ मेडिसिन नहीं पूछा हुआ राइट आंसर इज राइट आंसर इज ए धनवंतरी सुश्रुत इज कॉल्ड एज फादर ऑफ सर्जरी एंड चरक इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन नॉट गॉड ऑफ मेडिसिन तो क्वेश्चन में पूछा है कि गॉड ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है तो धनवंतरी इज द राइट आंसर हम लोगों ने इस टॉपिक को पोस्ट मोरस में टॉपिक कवरअप किया था ठीक है सो हू वॉज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर ऑप्शन आर श्रीगुप्त घटोत्ज

और कनिष्क चरक इनमें से किसके दरबारी थे तो आंसर इज राइट आंसर इज कनिष्क नेक्स्ट अशोक कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में कब हुई 250 फिफ्टी बीसी में मूविंग नेक्स्ट द लैंग्वेज यूज टू राइट सोर्स मटीरियल इन एंशियंट टाइम वॉज संस्कृत पाली ब्रह्मी और खरोष्ठी जी फटाफट से बताइए पुराने समय में लिखने के लिए जो जिस लैंग्वेज का हम लोग इस्तेमाल करते थे वो कौन सी थी राइट आंसर इज संस्कृत बुद्ध मीन्स जैसे ही हम लोगों ने बुद्धिज्म का टॉपिक शुरू किया था उसकी दूसरी लाइन में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था तो बुद्ध का अर्थ क्या था बुद्ध का अर्थ था एनलाइटेड वन, जिसको बोध प्राप्त हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं बुद्ध तो गौतम बुद्ध को बोध कहां पर प्राप्त हुआ था यह गया में प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे मूविंग नेक्स्ट द नेम द क्लैन बुद्ध बिलोंग टू गौतम बुद्ध की क्लैन के बारे में हम लोगों ने बताने ऑलरेडी हम लोगों ने बात की थी ऑप्शनिका मौर्य शाक्य या फिर कुरु सो द राइट आंसर इज शाक्य क्लैन ग्नात्रिका क्लैन की अगर हम लोग बात करें तो महावीर जैन बिलोंग टू तो दिस क्लैन है ना महावीर जैन की जो क्लैन थी इट वॉज ग्रिका क्लैन मूविंग नेक्स्ट हु वॉज द ऑथर ऑफ द कादंबरी ए ग्रेट रोमांटिक प्ले ऑप्शन भट्ट भास्कर हर्षवर्धन और बिंदुसार। आज के लेक्चर में जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो भान भट्ट के ऊपर ही था और तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट बान भट्ट ऑथर्ड कादंबरी तो द राइट आंसर इज बान भट्ट भट्ट इज द राइट आंसर मूविंग नेक्स्ट ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग्स रीन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिट इंडिया ऑप्शन चंद्रगुप्त फर्स्ट चंद्रगुप्त सेकंड समुद्रगुप्त और कुमार गुप्त बताइए फटाफट चाइनीज ट्रेवलर फाहियान किस किंग के कार्यकाल के दौरान भारत आया हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसको राइट आंसर इज चंद्रगुप्त सेकेंड इनको हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नाम से भी जानते ही रिफिटेड शख्स आयरन प्लेयर दिल्ली वॉज गिवन बाई हिम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमनेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी है ना सो मूविंग नेक्स्ट बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट ऑफ बुद्ध लाइफ बुल हम लोगों ने बात की थी बर्थ में एलिफेंट लोटस और बुल के बारे में सो so, बुल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है राइट आंसर इज बर्थ ग्रेट डिपार्चर के साथ में इनका जो सिंबल एसोसिएटेड है इट इज हॉर्स एनलाइटनमेंट के साथ में जो सिंबल एसोसिएटेड है इट इज पीपल ट्री इसको बोधि ट्री भी लिखते हैं महापरिनिर्वाण के साथ में जो सिंबल है इट इज फुटप्रिंट और स्तूप मोविंग नेक्स्ट द वर्ड वेद मीन्स आंसर इज नॉलेज काफी बारी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था इसको जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए मेक श्योर sure कि आप लोग वो लेक्चर्स देख लें सो एज ये एमसीक्यूस करने में आप लोगों को इजी रहे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मोरियन डायनेस्टी कलिंग वॉर टूक प्लेस इन द ईयर आर एंड जी बताइए कलिंग वॉर बार के बारे में हम लोगों ने बात की थी, सो राइट आंसर इज़ अपने कार्यकाल के आठवें साल में अशोक ने ये लड़ाई लड़ी सो इन टू ही फॉर्मली कोरोनेटेड हिमसेल्फ टू सिक्स बीसी में उनका राज्यभिषेक होते और 261 BC में ही फॉर द बैटल ऑफ कलिंग नेक्स्ट और जैसे जो नाम है ये इन में से दौरान थे ऑप्शन गुप्ताज मौर्य कुशांस या फिर पाल सो द राइट आंसर इज गुप्ताज गुप्त वंश के दौरान ये लोग थे आर्यभट्ट और वरामिहिर ये दोनों मैथमेटिशियंस रहे भारत के एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में भी हम लोगों को इनका काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन uh, देखने को मिलता है आर्यभट्ट ने बुक्स लिखी थी और सूर्य सिद्धांत वही आर्यभट्टर ने लिखी थी पंच सिद्धांत और वृहद जातक बुक्स एंड ऑथर्स में हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में हु एंड वेन आंसर इज कनिष्क इन सेवेंटी एट तीसरी बारी ये क्वेश्चन हम लोग आज के टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं शन द प्लेस वेयर बुद्ध अटेन्ड एनलाइटनमेंट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था बुद्ध को बोध प्राप्ति कहां पर हुई यह बौद्ध गया में हुई थी निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे नेक्स्ट इज द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वॉज चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला जो यूनानी राजदूत था उसका क्या नाम था हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य में यह वाला टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ राइट आंसर इज मेगा सिरीज मेगा ने एक किताब लिखी थी उसका नाम था इंडिका वही कौटिल्य कौटिल्य मतलब आचार्य चाणक्य इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र और यह मेगा किसके द्वारा भेजा गया था

विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ ह्यून सांग भी एक चाइनीज ट्रेवलर था किसके कार्यकाल के दौरान वो भारत आया राइट आंसर इज हर्षवर्धन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चाइनीज ट्रेवलर फाहियान के बारे में बात की जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में भारत आया सो ह्यून सांग विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धन इज द राइट आंसर मूविंग नेक्स्ट विच वन ऑफ द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया निम्नलिखित में से आखिरी जो बौद्ध टेक्स्ट है जो कि भारत में प्रोड्यूस हुआ उसका क्या नाम था दिव्यवधान व्रत वामस्था के सो द राइट आंसर इज डी वामस्थापाक्सिनी कनौज असेंबली असेंबलीर्गेनाइज बाय हर्ष वॉज हेल्ड इन ऑनर ऑफ ऑप्शन आर फाहियान ह्यून सांग आई सिंह और मेगा सिनीज कनौज असेंबली हर्ष के द्वारा जो ऑर्गेनाइज की गई वो निम्नलिखित में से किसके ऑनर में की गई थी ये सवाल है तो आप मुझे बताइए कि क्या जवाब है इसका राइट आंसर इज ह्यूनसांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में वही चाइनीस ट्रेवलर भारत आया था उसी की ऑनर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नेक्स्ट इज इन विच स्टेट वॉज अ नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया ऑप्शन आर बेंगाल ओडिशा बिहार उत्तर प्रदेश आई थिंक ये वाले क्वेश्चन मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो बता सकते हैं फोर्टीएथ क्वेश्चन का सही जवाब क्या है डो कॉमेंट्स बिलो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज नालंदा इनमें से कौन सी स्टेट में या थी राइट आंसर इज बिहार जी हाँ राइट आंसर इज बिहार नेक्स्ट विच इवेंट ब्रॉट ए प्रोफाउंड चेंज इन अशोक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल द कलिंग वॉर हिज एम्ब्रेसिंग ऑफ बुद्धिज्म हिज सेंडिंग ऑफ मिशनरी टू सिलोन जी बताइए क्या जवाब है कलिंग वॉर जी हाँ राइट आंसर इज कलिंग वॉर कलिंग वॉर के बाद में अशोक में हम लोगों को एक बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन देखने को मिलता है द मंग हु इन्फ्लुएंस्ड अशोक टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वॉज आंसर इज उपगुप्त हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी कि अशोक ने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली थी वो उपगुप्त से ली थी मूवी नेक्स्ट हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय जी हम आंसर इज पुल सेकेंड पुल से वॉज एबल टू डिफीट हर्षवर्धन हर्षवर्धन वॉज द फेमस रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी तो पुलिसिन सेकेंड जो कि चालो के वंश के किंग थे ही डिफीटेड हर्षवर्धन अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय ऑप्शन धनानंद कौटिल्य बिंबिसार और पुष्यमित्र। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था राइट आंसर इज ड्यूरिंग द रीन ऑफ ऑप्शन चंद्रगुप्त सेकंड रामगुप्त समुद्रगुप्त और कुमार गुप्त थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया था सो द राइट आंसर इज चंद्रगुप्त सेकंड अलेक्जेंडर एंड पोरस फॉर्ड ए बैटल एट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहा ये एंशियंट हिस्ट्री में फेमस बैटल्स में हम लोगों ने दो बैटल्स के बारे में बात की थी एक अलेक्जेंडर और पोरस की और एक बात की थी हम लोगों ने कलिंग वॉर की सो so, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई ये बैटल ऑफ जेलम जिसको ग्रीक लैंग्वेज में बैटल ऑफ हडेस्पस के नाम से भी जानते हैं इसमें लड़ी गई और कब लड़ी गई ये 326 ट्वेंटी में लड़ी गई थी

फ्टर एलेक्जेंडर डेथ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर केम अंडर ऑप्शन था कनिष्क सो द राइट आंसर इज सेल्यूकस निकेटर अलेक्सेंडर की डेथ के बाद में जो ईस्टर्न हिस्सा था उस एम्पायर का इट केम अंडर सेल्युकस निकेटर और जो वेस्टर्न था इट केम अंडर किंग एंटकस बिंदुसार सेंट अशोक टू क्वेल द रेबिलियन इन ऑप्शन स्वर्णगिरी तक्षशिला और जैन या फिर तोशली सो द राइट आंसर इज तक्षशिला हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था लॉर्ड महावीर डाइड एट ऑप्शन आर श्रावण बेलगोला लुंबिनी गार्डन कालोगुमालाई और पावापुरी आंसर इज पावापुरी बहत्तर साल की आयु में पावापुरी में ही गॉट निर्वाण इनको निर्वाण प्राप्त हुआ निर्वाण का मतलब है डेथ गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एट आंसर इज बुद्धिज्म के टॉपिक में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है राइट आंसर इज लुम्बिनी लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ बौद्ध गया में इन्होंने इनको बहुत प्राप्ति हुई ही गॉट एनलाइटेड एट बहुत सबसे पहला जो सरमन था सबसे पहला जो उपदेश था he gave in he in जो ही डायड इन सारनाथ एंड ही डाइड इन कुशीनगर ठीक है डेथ जो हुई हुई वो कुशीनगर में सो मूविंग नेक्स्ट द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर कंपोज इन ऑप्शन टेक्स्ट संस्कृत टेक्स्ट पाली टेक्स्ट और पिक्टोग्राफिकल टेक्स्ट जी बताइए क्या जवाब है इसका हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था बुद्धिज्म के टॉपिक में आंसर इज पाली टेक्स्ट पाली लैंग्वेज में कंपोज किए गए थे प्रकृत की बात करें तो जैन जो टेक्स्ट हैं वो प्रकृत लैंग्वेज में कंपोज किए गए थे ठीक है और पिक्टोग्राफिकल टेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी कब इंदस वैली सिविलाइजेशन में ठीक है और संस्कृत की बात करें तो वेद उपनिषद पुरान्स रामायण महाभारत ठीक है दर्शन शास्त्र जितने भी हैं वो सबके सब, सब संस्कृत लैंग्वेज में ही कंपाइल किए गए थे सो मूविंग नेक्स्ट हु फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ मॉर्यन एम्पायर ऑप्शन अजात शत्रु बिंदु सर चंद्रगुप्त मौर्य और बृहद्रथ राइट आंसर इज शत्रु अजात शत्रु कौन सी डायनेस्टी के थे ही बिलोंग टू हरियंका डायनेस्टी

डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने प्रीवियस से ही ऑपिक किया हुआ है सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ आंसर इज त्रिशला सो त्रिशला की बात करें तो त्रिशला वाज़ द सिस्टर ऑफ चेतक ये चेतक की बहन थी यशोदा की बात करें तो यशोदा वाज़ द वाइफ ऑफ महावीर अनुजा की बात करें सो शी वॉज अ डॉटर ऑफ महावीर सो द राइट आंसर त्रिशला इज नॉट इन द गि ऑप्शन महावीर की माँ का नाम त्रिशला था इज कॉल्ड एज द सेकेंड अशोक सेकेंड अशोक इनमें से हम लोग किसको बोलते हैं ऑप्शन समुद्र गुप्त कनिष्क चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धन सो सेकेंड अशोक हम लोग बोलते हैं किसको बोलते हैं राइट आंसर इज कनिष्क हम लोग कनिष्क को सेकेंड अशोक बोलते हैं ठीक 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 है? है? इन्होंने बौद्ध धर्म का फैलाव उसी प्रकार से किया। जिस प्रकार से से किया किया। जिस ने ग्रामेटिकल वर्क अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी इनमें से किसके द्वारा लिखे दिया गया सो द राइट आंसर इज महर्षि पानिनी महर्षि पानिनी ने दिया था अष्टाध्यायी कौटिल्य ने दिया अर्थशास्त्र ठीक है मूविंग नेक्स्ट हु अ कोर्ट पॉइंट ऑफ हर्ष हर्ष के राज कवि कौन थे भानी भानभट रवि कीर्ति और विष्णु शर्मा आज के लेक्चर में हम लोग तीसरी बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं राइट आंसर इज भानभ कादंबरी द गोल्ड कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन इंडिया बाय ऑलरेडी बात की थी हम लोगों ने हाँ, तो दिए हुए ऑप्शन में दिया हुआ है कुशांस शख्स ग्रीक्स और पार्थियंस सो द राइट आंसर विल बी इट वॉज बेसिकली इंडो ग्रीक्स है ना तो दिए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली द आंसर विल बी द ग्रीक्स मूविंग नेक्स्ट द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड ऑप्शन आर शिखर वर्ण नागर और गांधार सो द राइट आंसर इज गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ऑलरेडी बात की थी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बुद्ध गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट आज के टॉपिक में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को काफी बार डिस्कस किया हुआ है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो सबसे पहला सरमन अपना जो सबसे पहला उपदेश था वो दिया था कहां पर ऑप्शन इज सारनाथ सारनाथ में दिया था धर्मचक्र परावर्तन ठीक है टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ मूविंग नेक्स्ट चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन पीरियड वॉर्ज हर्ष के दरबार में आने वाला जो चाइनीज ट्रैवलर था उसका क्या नाम था ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आंसर इज ह्यून सांग और इसी के ऑनर में उसने हर्षवर्धन ने ऑर्गेनाइज किया कन्नौज असेंबली ठीक है नेक्स्ट द गुप्ता एरा वॉज स्टार्टेड बाय होम ऑप्शन घटोतकज चंद्रगुप्त फर्स्ट श्रीगुप्त और समुद्र गुप्त गुप्ता संवत की शुरुआत किसने की थी राइट आंसर इज चंद्रगुप्त फर्स्ट कब की थी 319 एडी में की थी सो मूविंग नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर्स वाज़ द फर्स्ट टू विजिट इंडिया निम्नलिखित में से सबसे पहला जो फॉरेनर था जो भारत आया वो कौन था ह्यूनसांग आई सिंह मेगा और फाहियांग राइट आंसर इज मेगा सिरिज मेगा चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में भारत आया था बुक लिखी थी इन्होंने इंडिका इंडिका वेस्टर्न वर्ल्ड में भारत को लेकर एक काफी और अर्लिएस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहा जहां से जो वेस्टर्न वर्ल्ड था उसको इंडिया जैसी कंट्री के बारे में विस्तार से जानने का मौका मिला नेक्स्ट द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पैट्रनाइज बाय ऑप्शन कनिष्क महाकश्यप उपाली अशोक और सबकर्णी सो द राइट आंसर इज थर्ड बुद्ध काउंसिल वॉज पैटनाइज बाय अशोक नेक्स्ट हर्षचरित वॉज रिटन बाय हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी जब हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वर्धन डायनेस्टी का पोस्ट मोरस का ये टॉपिक था ऑप्शन कालिदास बानभट वाल्मीकि और व्यास राइट आंसर इज भान भट्ट इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी कादंबरी भी ठीक है तो कादंबरी और हर्षरित दोनों इन्होंने लिखी दी द कैपिटल ऑफ कनिष्क वॉज ऑप्शन पुरुषपुर बनारस इलाहाबाद और सारनाथ कनिष्क की दो कैपिटल्स रही थी वन वॉज मथुरा एंड वन वॉज पुरुषपुर पुरुषपुर आज के टाइम पे पाकिस्तान में और इसको हम लोग पेशावर के नाम से जानते हैं सो द राइट आंसर इज पुरुषपुर नेक्स्ट द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ गुप्ताज वॉज पाली प्रकृत हिंदी और संस्कृत पाली की बात करें ये बुद्धिज्म की लैंग्वेज है प्रकृत की बात करें ये जैनिज्म की लैंग्वेज है

ग्रेट कुशान लीडर हु गॉड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म वॉज ऑप्शन वीमा कनिष्क और कडेफेसिज सो द राइट आंसर इज कनिष्क कनिश्क वॉज अ फॉलोवर ऑफ माहयान बुद्धिज्म ऑलरेडी हम लोगों ने टॉपिक्स में बात की हुई है द गुप्ता किंग टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वॉज ऑप्शन स्कंद गुप्त चंद्रगुप्त सेकंड समुद्र गुप्त और कुमार गुप्त सो द राइट आंसर इज चंद्रगुप्त सेकंड चंद्रगुप्त सेकंड को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं समुद्र गुप्त को हम लोग नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं इसको हम लोग परम भागवत के नाम से जानते हैं कविराज के नाम से हम लोग ऑफ हंड्रेड बैटल गुप्त महेंद्र एटसेट्रा टाइटल्स जो इन्होंने लिए विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर द थ्रोन हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी दैट हिज सन अजात शत्रु अजाचत्रू was the first Indian ruler who killed his father for the throne. So the right answer is अजाचत्रू. अजाचत्रू को हमलोग पित्र हंता के नाम से भी जानते हैं, कुनिक के नाम से भी जानते हैं. दो weapons महाशिलकंटक और रथमशल का use किया था इन्होंने. Next, which ruler founded the famous Vikramshila University? हमलोगों ने ये topic गुप्ता dynasty के last में cover up किया था. That Vikramshila University was founded by King Dharampal and founder of पाल डायनेस्टी वॉज गोपाल गोपाल वॉज अ फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी ठीक है सो मूविंग नेक्स्ट हु अमंग फॉलोइंग वर फर्स्ट दू इन्वेट इंडिया ऑप्शन मंगोल्स अरब और टर्क ये बेसिकली क्वेश्चन मिडाइवल इंडिया का है निम्नलिखित की अगर हम लोग बात करें इनमें से जो सबसे पहला इन्वेट किया था वो अरब के द्वारा किया गया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ट्वेल्थ एडी में किया था नेक्स्ट लेक्चर है हमारा <coughs> दिल्ली सल्तनत का तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज फ्रॉम विच द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड ऑप्शन आर इंग्लिश ग्रीक पर्शियन और अरेबिक जी बताइए क्या जवाब है इसका सो so, इसका सही जवाब है ग्रीक हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था राइट आंसर इज पुल सेकेंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एसोसिएटेड ऑप्शन तकशिला नालंदा विक्रमशिला और वैशाली <coughs> चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर रहे वो निम्नलिखित में से कौन से लर्निंग सेंटर से एसोसिएटेड रहे इसका सही जवाब है तक्षशिला। तक्षशिला ही कैपिटल ऑफ महाजनपद गांधार, गांधार की कैपिटल रही तक्षशिला। राइट नाउ तक्षशिला इज इन पाकिस्तान अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑप्शन नंद शिशुनाग मौर्य और हरियंका डायनेस्टी ऑलरेडी हम लोगों ने बात की थी जो तीन डायनेस्टी थी जिन्होंने मौर्यन से पहले रूल किया जिन्होंने मौर्यन से पहले रूल किया सो so देवर हरियंका डायनेस्टी देन कम्स शिशुनाग डायनेस्टी देन कम्स नंद डायनेस्टी एंड देन कम्स मौर्यन डायनेस्टी सो द राइट आंसर विल बी फोर टू वन एंड थ्री फोर टू वन एंड थ्री राइट आंसर इज सी सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज हम लोगों ने बताने हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी फोर आश्रम व्यवस्था के बारे में है ना फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ फोर आश्रम व्यवस्था के बारे में बात की थी हम लोगों ने ये टॉपिक था वैदिक एज का टॉपिक और फोर आश्रम व्यवस्था हम लोगों को कहां से देखने को मिलती है फ्रॉम जबाला उपनिषद गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर डिटेल में हम लोगों ने टॉपिक में डिस्कस किया था कि इनका मतलब क्या था जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नहीं देखा हुआ वो लेक्चर जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा नेक्स्ट बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सैरमन एट आज के टॉपिक में हम लोगों ने काफी बार एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ कि गौतम बुद्ध ने जो अपना सबसे पहला उपदेश दिया वो दिया था सारनाथ में ऑन द टॉपिक धर्म चक्र इज़ चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ आज भी हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ कि चरक इनमें से किसके दरबारी थे so right कनिष्क क्स्ट ग्रेट स्तूप एट सांच पर है काफी बारी यह चीज आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन वर इशुड इन आज के टॉपिक में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था गोल्ड सबसे ज्यादा जो सिक्के शुरू किए गए वो गोल्ड में शुरू किए गए थे Moving next, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द्रि रत्न ऑफ जैनिज्म जैन धर्म के त्रि रत्न के बारे में हम लोगों ने बात की थी कौन कौन से राइट नॉलेज राइट एक्शन राइट फेथ मतलब कि राइट कंडक्ट भी लिखते हैं राइट एक्शन को राइट नॉलेज राइट कंडक्ट या राइट फेथ क्वेश्चन में पूछा हुआ कि कौन सा नहीं है विच इज नॉट राइट आंसर इज राइट व्यू ठीक है राइट व्यू नहीं है बाकी तीन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज स ऑफ पिलग्रिम्स वॉज द नेम एट्रीब्यूटेड टू ऑप्शन से किसको बोलते हैं कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील दे आर लव फॉर म्यूजिक जी हाँ हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी किसके बारे में हम लोगों ने बात की थी किंग समुद्रगुप्त के बारे में जिनको हम लोग कविराज के नाम से भी जानते हैं और समुद्रगुप्त कौन सी डायनेस्टी के किंग थे ये गुप्ता डायनेस्टी के किंग थे कविराज उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ सिक्के शुरू किए जिसमें राजा के हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहा जाता है वीना ठीक है सो द राइट आंसर इज गुप्ताज कलिंग वॉर टूक प्लेस इन द ईयर थोड़ी देर पहले बात की थी 261 सिक्सटी वन बी सी द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज वॉज राइट आंसर इज पानिनी सो मूविंग नेक्स्ट द फेमस पोइट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ ऑप्शन चंद्रगुप्त फर्स्ट कुमार गुप्त समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड जी फटाफट से बताइए क्या जवाब है इसका कालिदास किसके दरबारी थे कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे जिसमें आर्यभट्ट भी हम लोगों को देखने को मिलता है ठीक है वरामिहिर वरामिहिर इज वरा कौन थे एन एस्ट्रोनॉट ए पावर पॉवरसेशन ए स्पेसटल और एन एंशियंट एस्ट्रोनॉमर राइट आंसर इज एंशियंट एस्ट्रोनॉमर नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए फिजिशियन फिजिशियन नहीं है ऑप्शन सुश्रुत चरक चरवक या फिर धनवंतरी जी बताइए क्या जवाब है इसका राइट आंसर इज चरवक वैद्य नहीं थे ये डॉक्टर नहीं थे इन्होंने अपना दर्शन शास्त्र दिया था ठीक वट इज मिलिन पनहो पोस्ट मोरियस में हम लोगों ने इंडो ग्रीक्स में बात की थी किंग मिनेंडर के बारे में तो मिनेंडर और बुद्धिस्ट मक नागसेन के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई उनको रिकॉर्ड किया गया मिलिंद पनहो में क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद में मिलिंद वाज अ फेमस रूलर ऑफ सियाल कोट विच इज इन पाकिस्तान सो मिलिंद पनहो इज ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट इट इज ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट द बुद्धिस्ट मंक बताइए नागार्जुन आनंद आसंग और पद्म संभव इसका श्रेय जाता है पद्म संभव को भव वॉजिस्ट व्यू स्प्रेड बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इनको थ्री पिलर ऑफ बुद्धिज्म बोलते राइट आंसर इज त्रि रत्न नेक्स्ट ज लिच्छवी दोहित्रा राइट आंसर इज समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के पिता की बात करें हिस्स चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह होता है साथ में और कुमार देवी और चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो बेटा था वो समुद्रगुप्त दैट्स वाई ही दोहित्रा दोहित्रा हम लोग किसको बोलते हैं बेटी के बेटे को हम लोग बोलते हैं दोहित्रा ठीक है इस कारण से वो लिच्छवियों का कौन हुआ दोहित्रा हुआ इसको इस लिए बोलते हैं हम लोग लिच्छवी दोहित्रा ठीक है so, सो समुद्रगुप्त महावीर फर्स्ट डिसाइपल वाज महावीर जैन का जो सबसे पहला शिष्य था वो उनका दामाद जमाली था ठीक है सो द राइट आंसर इज जमाली भद्रबाहु की बात करें ही गेव दिगंबर ही वॉज अ फाउंडर ऑफ दिगंबर सेक्ट ही वॉज अ फाउंडर ऑफ श्वेतंबर सेक्ट साइट ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध इज मार्क्ड बाय हम लोगों ने इस टॉपिक को भी इस लाइन को भी डिस्कस किया था जब हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था बुद्धिज्म का सो द राइट आंसर इज ए रुमान पिलर बाय अशोक मौर्य ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने अपने जो लेक्चर्स डिलीवर किए थे उसमें ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं द टर्म उपनिषद लिटरली इम्प्लाइज उपनिषद का लिटल मीनिंग क्या है ऑप्शन आर नॉलेज विजडम सिटिंग नियर और रिसाइटेशन सो इसका लिटल मीनिंग है सिटिंग नियर नेक्स्ट इज सिद्धांतम ऑफ वराहमिहिर डील्स विद ऑप्शंस आर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और एनाटॉमी। राइट आंसर इज इज ड्यूरिंग द रीन ऑफ बिंदुसार देयर वाज अनरेस्ट एट बिंदुसार के दौरान बिंदुसार के कार्यकाल के दौरान अनरेस्ट हुआ कहां पर राइट आंसर इज तकशिला जिसको सप्रेस किया गया अशोक के द्वारा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया था नेम द ग्रीक एट द कोर्ट जी हाँ क्या जवाब है द्वारा भेजा गया किसके दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और उस एम्बेसडर का नाम था मेगा ठीक है जिसने बुक लिखी इंडिका नेक्स्ट हु वॉज अ कॉन्टेम्प्री साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया पुलक्षिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया पुलक्षिन सेकंड इज द राइट आंसर चालोक के किंग थे हु कंपोज द एलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑप्शन हरिसेन महासेन वीरसेन और विष्णुसेन एलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा दी गई यह समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन के द्वारा दिया गया था द राइट आंसर इज हरिसेन मूविंग नेक्स्ट हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहन एम्पायर पोस्ट मोरज में हम लोगों ने टॉपिक को डिस्कस किया था राइट आंसर इज सीमुक नेक्स्ट आर्यभट्ट एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्पायर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कालिदास के बारे में बात की थी वॉज so द कोर्ट पॉइंट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य तो यह चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नौ दरबारियों नाइन जेम्स में से दो थे आर्यभट भी कालिदास भी ठीक है इसके अलावा नौ लोग और थे वरा मिर भी उनमें थे एक्सेट्रा एट्सेट्रा सो दीज वर दॉपिक्स ऑफ दीज वर द्वेश्चन दैट हैीवियस ईयर्स तो आज हम लोगों ने लगभग सौ से ऊपर उन क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है जो प्रीवियस सेज में पूछे हुए सो दैट सोल्व फॉर टूडेज लेक्चर जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ मेक श्योर sure कि वो लेक्चर्स को जाकर प्ले में देख लें सो दैट इन क्वेश्चन को जब रिवाइज किया जाए आप लोगों के द्वारा तो आप लोगों को कोई भी ज्यादा परेशानी ना हो सो दैट्स ऑल फॉर टूडे जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन बैचेस को शुरू ज्वाइन करना चाहते हैं वो हर ट्यूसडे को हमारा जो ऑफलाइन बैच शुरू होता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इन बैचेस को हर ट्यूजडे को हमारा ऑफलाइन बैच शुरू होता है इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को इस नंबर पे कॉल करना होगा सो दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग गूगल प्ले पे जाकर हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर आप लोगों को डेली क्विजेस देखने को मिल जाएंगे जेके एस के रिगार्डिंग जेके पी के रिगार्डिंग एसएससी एस सी एज वेल एज बैंकिंग के रिगार्डिंग जिन भी स्टूडेंट्स को आज के लेक्चर में कोई भी डाउट्स हो कोई भी क्वेरीज हो मेक श्योर sure कि आप लोग उनको कॉमेंट्स में पूछ लें आई विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू देम थैंक यू